मोदी सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालयों के एमफिल और पीएचडी कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एमफिल और पीएचडी कोर्स में दाखिला लेने के लिए विद्यार्थियों को इंटरव्यू पैनल की दया के सहारे नहीं रहना पड़ेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यूजीसी के एक नियम में बदलाव करने जा रहा है। सरकार एमफिल पीएचडी डिग्री की न्यूनतम मानक प्रक्रिया नियामक 2018 में सुधार करने वाली है, जिसके तहत प्रवेश परीक्षा में छात्रों को 70% नंबर मिलेंगे, जबकि बाकी के 30% नंबर इंटरव्यू में मिलेंगे। आपको बता दें कि मौजूदा व्यवस्था में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी सिर्फ इंटरव्यू के लिए ही योग्य हो पाते हैं, बाद में इंटरव्यू के आधार पर दाखिला होता है। सूत्रों के अनुसार मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे मंजूरी दे दी है और यह कानून इसी हफ्ते लागू हो सकता है। मंत्रालय के एक आला अधिकारी ने बताया कि अब एमफिल और पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में लिखित परीक्षा के लिए 70%, जबकि इंटरव्यू में सिर्फ 30% नंबर ही मिलेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू समेत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने साल 2017 में यह नियम लागू किया था। नियम के मुताबिक साल 2016 में यूजीसी के नियम के तहत एमफिल और पीएचडी में दाखिला लेने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होगा कि वे इंटरव्यू में 50% नंबर हासिल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।